झांसी में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की मूर्ति को किया क्षतिग्रस्त, तो स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। देखें वीडियो। भैया जैसे कि जो आपके पीछे अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है तो उनका जो हाथ है किसी ने क्रैक कर दिया है, तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया है, तो ये आपने कब देखा? जी एक एक करके बताओ। हाँ, 5 बजे खड़े थे हम लोग, थोड़ा बात कर रहे थे, काम की बातें करने लगती हैं। हाँ। इस वजह बात करके थोड़ी निगाह मेरी फंसी मूर्ति के ऊपर, तो मैंने देखा कि ये नोई जल्द मैंने की सीधी थी, ये टेढ़ी दिखानी, फिर और गौर से देखा तो मैं मोहल्ले में खबर करने लगा कि हाँ पूरा हाथ नहीं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या मतलब किसके ऊपर शक है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ऐसा किया हो, ये कोई जानकारी नहीं? तो फिर आप लोगों ने सूचना की पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना की, प्रशासन आया, टाइम पे प्रशासन आया, टाइम पे। क्या क्या आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं? एकदार हो तो एकदार, दूसरी बार है जी, दूसरी बार हादसा हुआ है। हाँ, पहली बार यहीं का हुआ था, तालाब मोहल्ला चरगांव का, दूसरी बार पहाड़ी का हुआ था जी, तीसरी बार फिर तालाब मोहल्ला का फिर हुआ है। संविधान की रचयिता के साथ बार बार ऐसा होना, ये तो हम लोगों को वही तो मान सम्मान में बात आएगी, तो कब तक शांत बैठेंगे बताओ जी? है तो हम लोगों को तो न्याय चाहिए। न्याय का मतलब मूर्ति तो हम लोग कभी भी ले आके धर सकते हैं, मगर मूर्ति ऐसे नहीं रखेंगे, पहले चाहिए मुलजिम जी, मुलजिम चाहिए। उससे भी हम लोग पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या वजह है, किसके जरिए से तोड़ी, उस वजह से आप बेरवे जी हादसा कर रहे हो, तोड़ रहे हो तोड़ी थी। जब बात सम्मान की आती है तो एनजीओ भी शांत नहीं रहता जी, मूर्ति तो हम लोग खड़ा कर लेंगे, एक नहीं 10 कर लेंगे, उससे नहीं है। मगर अभी तो प्रेजेंट में यही सोच रहा है कि न्याय मुलजिम सामने चाहिए। ये घटना कितने बजे की है लगभग? तो आप लोगों ने जब देखा जा रहा है कि 12:30 तक हमारे कुछ बस्ती के लोग वापसी भी लौटे जी, जब बिल्कुल बरकरार था हाथ, ठीक है, 1 बजे के बाद हादसा हुआ है। अच्छा भैया ये बताओ, यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं क्या? हमने 2 बार अवगत कराया हुआ है, मगर CCTV कैमरा नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पर नहीं लगे हैं। और तीसरी बात यह है बहन जी, कि जैसे इधर बिजली विभाग बना दिया, पूरा ट्रांसफार्मर वहीं पर रख दिया जी जी, इसकी भी अपन ने 1-2 बार शिकायत की है, मगर इसकी भी सुनाई नहीं हो रही है। अगर जैसे बस्ती है, घनी बस्ती में कहीं ट्रांसफार्मर तो रखा नहीं जाता, आप ये बताओ जी। और ये तो ओपन खुले में रखा हुआ है, अगर हमारे बाबा साहब का कोई कार्यक्रम हो तो वो भी नहीं कर सकते, कोई बच्चे खेले तो वो भी नहीं हो सकता है इधर, मतलब ऐसा थोड़ी होता दीदी, सुनाई नहीं होती हम लोगों की। जब सुनाई नहीं होगी तो मजबूरी में हम लोग एकत्रित होके इकट्ठे होंगे, तो फिर मजबूरी में हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। अब आप लोग कब तक, आप लोग जो एकत्र हुए हो कब तक एकत्र रहोगे, और अब क्या निकलना चाहिए? हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं सामने नहीं आएगा। ठीक भैया।